Hi everyone, welcome to our channel anujindal.in. My name is Chetan and in this video, I am going to discuss with you the past year cutoffs of RBI Grade B Phase 1. So basically, cutoff analysis karne wale hain hum RBI Grade B Phase 1 exams ka. And this video is going to be very, very useful and important for all of you and especially those of you who are writing the exam for the very first time. So I'll recommend all of you to not end the video in between. Video ko zarur last tak dekhna. It is surely going to be beneficial for all. So let us start. So sabse pehle question dimag mein jo hamare aayega ki why cutoff analysis? Jaise maine bola, it is going to be very, very useful for all of you and especially for those who are writing for the very first time. But cutoff analysis important kyun hota hai? The basic and the primary reason is through cutoff analysis only you will get an idea as to what could be your target score. टारगेट स्कोर का आइडिया आपको कट ऑफ एनालिसिस से ही लगेगा. ओके, ऑल्दो मैं ये नहीं कहता कि जो लास्ट ईयर की कट ऑफ गई है वही इस साल की कट ऑफ रहेगी, बट स्टिल अगर हम एक ट्रेंड देखते हैं कुछ सालों का तो हम एक माइंड में एस्टिमेट लगाकर चल सकते हैं कि अगर एग्जाम टफ आएगा तो कितनी कट ऑफ रह सकती है, अगर एग्जाम टफ है तो हम कितना टारगेट लेके चल सकते हैं, एग्जाम ईजी होता है तो क्या टारगेट हो सकता है. सो इन दैट मैनर इट विल हेल्प अस टू हैव एन आइडिया ऑफ द टारगेट स्कोर. टारगेट स्कोर हमारा क्या हो सकता है, उसकी मतलब उसका जो क्वांटिटी जो रहेगी, जो एक्चुअल फिगर, एक एस्टिमेटेड फिगर मैं आपको दूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन. तो यहां पे मैं आपको बेसिकली बता रहा हूं कि कट ऑफ एनालिसिस जानना भी जरूरी होता है. एंड बेसिकली बात करें तो यहां पे आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट फेज वन, दिस वीडियो इज ओनली फॉर फेज वन. ऑल्दो फेज वन हमारा क्वालिफाइंग नेचर का है, बट फेज वन इज अ पेन पॉइंट फॉर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, स्पेशली जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट का सेक्शन है. मोस्टली काफी ब्रिलियंट कैंडिडेट्स की इन दोनों की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती, उसकी वजह से वो फेज टू में नहीं पहुंच पाते. तो ऐसा बहुत होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही वेल रेड हैं, लेकिन स्टिल एलआर और क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती है. ओके, सो दिस इज वाई दिस फेज वन इज वेरी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसकी इसको स्ट्रेटेजाइज करना, इसकी स्ट्रेटेजी बनाना, ओके, एंड मोर इंपॉर्टेंटली किस तरीके से हम कट ऑफ क्लियर करें, तो छोटी छोटी निटी ग्रिटीज ये चीजें हमको पता होंगी तो इट विल बी मोर हेल्पफुल. तो हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और वो स्मार्ट वर्क आता है कैसे, थ्रू मेकिंग योर स्ट्रेटेजी, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं. ऑलराइट, तो फेज वन में हमारे चार सब्जेक्ट्स हैं, वो तो सभी को पता होगा, दैट इज GA इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग. GA इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, मेजर डिफिकल्टी और मेजर यू नो बर्डन इज ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग. उसमें स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए हो जाता है, बट वी विल ट्राई टू सी कैसे हम उसमें भी डील कर सकते हैं. बट सबसे पहले बात कर लेते हैं पास्ट ईयर कट ऑफ की. सो आई विल आई एम डिस्कसिंग फॉर द जनरल स्ट्रीम. तो RBI जो है आपको पता है इट हायर्स असिस्टेंट मैनेजर फॉर थ्री डिफरेंट स्ट्रीम, दैट इज DEPR एंड देन मतलब देर आर थ्री डिफरेंट स्ट्रीम्स फॉर विच इट हायर्स. तो ये जो है ये जनरल स्ट्रीम के लिए ही है, द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द जनरल स्ट्रीम. एंड इसमें भी आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल टेलिंग यू अबाउट द अनरिजर्व कैटेगरी. तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं इन द नोटिफिकेशन यू हैव सीन की अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो वैकेंसीज निकलती हैं. तो यू हैव फॉर जनरल कैटेगरी, यू हैव फॉर OBC, ST, ST, PWBD. तो दिस पर्टिकुलर स्लाइड I have made for the unreserved category. तो इसमें मैंने चार सालों का डेटा लिया है, if you can see, starting from 2018. So 2018 में जो एग्जाम हुआ था फेज वन, इट happened on 16th of August, ठीक है. Then 2019 phase 1 happened on 9th of November 2021, 2022. तो ये डेट्स भी लिख दिया मैंने. तो ये जो चार सालों का डेटा है इसके थ्रू एनालिसिस करेंगे हम लोग अबाउट द कट ऑफ. और यहाँ पे also at the bottom I have also mentioned the vacancies, the overall vacancies and the unreserved vacancies for the unreserved category. तो ये भी मैंने यहाँ पे सारा mention कर रखा है, the overall vacancies and the vacancies for the unreserved category, ठीक है. और यहाँ पे sections लिखे हुए हैं मैंने GA, reasoning, English, quant and their respective sectional cutoffs. तो ये सेक्शनल कट ऑफ यहां पे मेंशन की गई है. ओके, सो इफ वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बात करें अगर 18 और 19 की, देखो एक क्लियर डिमार्केशन है 18, 19 और 21, 22 ऑनवर्ड्स. मतलब 21 ऑनवर्ड्स आप देख रहे हो एक स्कोर अलग है, 21 से पहले स्कोर अलग है. इसका एक मेजर रीजन क्या था
2020 में एक कमेटी बिठाई गई थी, आरबीआई ने अपनी एक इंटरनल कमेटी बिठाई थी, उन्होंने मतलब उन्होंने डिसाइड किया था दैट वी वांट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द एग्जाम. व्हाई? बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द कैंडिडेट्स दे वर गेटिंग, दे वर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द कैंडिडेट्स. ओके, सो दैट इज व्हाई उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा फेज वन का लेवल इंक्रीज कर दिया सबसे पहले, और दूसरा फेज टू की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट फेज टू में भी चेंजेस कर रहे थे 2020 में, डिस्क्रिप्टिव ऐड कर दिया था. पहले फेज टू पूरा ऑब्जेक्टिव हो रहा था, तो इन्होंने 2020 में जब ये कमिटी बैठी तो 2021 ऑनवर्ड्स क्या हो गया आपका, फेज टू में डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों चीजें होने लग गई हैं. तो ये कुछ चेंजेस करे थे. तो बेसिकली द रीजन वॉज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आरबीआई बींग सच अ प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन दे कैनॉट अफोर्ड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी. क्वालिटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक मैंने आपको फर्क बता दिया बेसिकली, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कट ऑफ यहाँ पे 105 है, 122 है, एंड सडनली एक ड्रास्टिक ड्रॉप, ऑलमोस्ट हाफ हो गई कट ऑफ, 66.75, 63.75. तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि कमेटी बैठी थी और उन्होंने कुछ चेंजेस करे एग्जामिनेशन में, पैटर्न में, ओके, डिफिकल्टी में. सो ये हमने देखा. ओके, नाउ दिस कट ऑफ, दीज मार्क्स आर आउट ऑफ 200. ये जो मार्क्स हैं ये हैं आउट ऑफ 200. ओके, सो 200 कैसे बनते हैं मार्क्स? ओके, जल्दी से आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, ऑल्दो आई होप कि ये सबको पता होगा थोड़ी बहुत चीजें. तो लाइक जीए इज ऑफ 80 मार्क्स, रीजनिंग इज ऑफ 60 मार्क्स, ओके, इंग्लिश 30 मार्क्स, क्वांट 30 मार्क्स, एंड सिमिलर इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 30. सो इन टोटल 200 क्वेश्चन ऑफ 200 मार्क्स. तो इस तरीके से ब्रेकअप है ऑफ द फेज वन पेपर. तो जनरल एप्टीट्यूड पेपर है, बट डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा होता है इसमें. ओके, ऑल राइट. सो बेसिकली अगर इसको मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं अबाउट द क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इफ आई कंपेयर्ड विद अदर एग्जामिनेशंस, तो आप ऐसा कह सकते हो कि बैंक पीओ जो है आपका, या जो एसबीआई पीओ है, उसमें जो मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं या जो प्री लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वैसे क्वेश्चंस आते हैं. प्री लेवल के भी थोड़े बहुत होते हैं, मेंस लेवल के भी काफी होते हैं. मेंस लेवल मुश्किल होता है. ओके, तो बैंक पीओ का मेंस लेवल जो होता है, उसका जो इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट रहता है, वही लेवल ऑलमोस्ट रहता है. कुछ क्वेश्चन प्री लेवल के भी होते हैं. सो आरबीआई जो है, बिकॉज आरबीआई एप्टीट्यूड का पेपर सिर्फ फेज वन में ले रहा है, फेज टू में नहीं ले रहा है, तो वो एक मिक्स एंड मैच करके पेपर बनाता है. लेकिन 21 में, 22 में तो काफी मुश्किल पेपर बना है. उससे पहले तो थोड़े क्वेश्चन ईजी भी होते थे, थोड़े डिफिकल्ट, मॉडरेट भी होते थे. अब ज्यादातर क्वेश्चन मुश्किल और लेंदी आ रहे हैं, दैट इज वाई स्कोर कम जा रहा है और कट ऑफ भी कम जा रही है. बाकी कैट लेवल से कंपेयर करें तो कैट का थोड़ा पैटर्न अलग होता है, बट हाँ, कैट लेवल क्वेश्चन से भी थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होती है. अगर मैं पजल्स की बात करूं, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं, डेटा सफिशियंसी, तो कुछ सिमिलैरिटीज वहां पे भी हमको मिल जाएंगी. ओके, तो यहाँ पे देखो, आई विल स्टार्ट विद द, सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेटेस्ट से. पहले अगर बात करें तो अभी जो हाल फिलहाल में बात करूं तो पेपर काफी मुश्किल आया था. तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो, ये है इनकी सेक्शनल कट ऑफ. सो दिस इज आउट ऑफ 80, दिस इज आउट ऑफ 60, दिस इज आउट ऑफ 30, दिस इज आउट ऑफ 30. तो ये सेक्शनल कट ऑफ है, ठीक है. सो अगर आप देखोगे 80 में से, इफ यू हैड टू स्कोर 12 मार्क्स टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ ऑफ जीए, सिमिलरली 60 में से यू हैड टू स्कोर 9 टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ. तो सेक्शनल कट ऑफ तो बहुत कम है, इट इज ओनली 15% इन 2022. तो सेक्शनल कट ऑफ काफी कम है. लेकिन सिर्फ आप अगर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करोगे, दैट डज नॉट मीन दैट यू विल क्लियर फेज वन. ओके, तो सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना सफिशियंट नहीं है. दिस इज द बेयर मिनिमम, सेक्शनल कट ऑफ इज द बेयर मिनिमम यू हैव टू डू, बट यू हैव टू स्कोर मोर देन दैट टू अचीव द ओवरऑल कट ऑफ. ओके, बिकॉज इसका सम देखोगे, इसका सम कितना हो जाएगा, 9, 9, 9 and 9, 18, 30. तो इसका सम तो 30 आ रहा है, बट यू नीड टू स्कोर मोर देन 30, मच मोर देन 30. यू नीड टू स्कोर 63.75 अगर आपको 2022 में क्लियर करना था. तो इट मीन्स कि हमको अपने एरियाज पिक एंड चूज करने होते हैं बेस्ड ऑन आर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. कि कुछ लोगों की इंग्लिश स्ट्रांग होती है तो वो इंग्लिश में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, कुछ लोगों का जीए स्ट्रांग होगा, सम पीपल माइट बी हैविंग, सम पीपल मे हैव रीजनिंग एज देयर स्ट्रांग एरिया. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन स्ट्रेटेजाइज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू कैन डू. बट दिस वॉज रिगार्डिंग द 2022 कट ऑफ, और पेपर मुश्किल था इसलिए कट ऑफ कम भी गई थी. लेकिन अगर बात करें 2021 की, तो 2021, 2022 बोथ वर डिफिकल्ट.
there were some differences. For instance, in 2021, quant section was more difficult. In 2022, reasoning section was more difficult. तो थोड़ा बहुत इस तरीके का चेंज, मतलब इस तरीके का वेरिएशन हमको मिलेगा. ऑब्वियसली इट्स नॉट कि हर साल सेम ही पैटर्न रहेगा उस सेंस में, बट हाँ पेपर डिफिकल्ट था 21 में भी, 22 में भी. एंड द रीजन वॉज, एज आई टोल्ड यू, द डिफिकल्टी, द मेन डिफिकल्टी लाइड इन क्वांट एंड रीजनिंग. मेजर डिफिकल्ट पोर्शन थे वो क्वांट और रीजनिंग थे. और उनमें चेंज क्या आया था इफ आई कंपेयर इट विद 19 एंड 18. सो 18-19 से कंपेयर करो तो डिफरेंस क्या आया था. एक तो 21-22 में क्या कर दिया उन्होंने, क्वेश्चंस को लेंथी बना दिया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आने लग गए. ओके, एंड व्हाट अनदर थिंग दे डिड वाज दे स्टार्टेड आस्किंग न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, लाइक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन ज्यादा हो गए, मल्टीपल क्वांटिटीज, क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू उसको कंपेयर करना है. तो क्या हो रहा था, एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट को चेक कर रहे थे. लाइक फॉर इंस्टेंस उन्होंने एक टीम स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया आपको, उस स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन में और चीजें ऐड कर दी. ओके, उसमें रेशियो प्रोपोर्शन भी थोड़ा सा कहीं से घुसा दिया है, उसमें डेटा सफिशिएंसी भी इंटीग्रेट कर दिया. तो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर दिया क्वेश्चन का और उसको लेंथी बना दिया. तो इस तरीके से वेरिएशन किए थे आरबीआई ने. बट वी डोंट नीड टू फियर, वी डोंट नीड टू बी अफ्रेड अगर हम अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे तो. ओके, देन तो 20, ये तो बात करी मैंने 22 की. 21 में थोड़ी सी सेक्शनल कट ऑफ हाई थी, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कंपैरिजन में कम था. 22 में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा इन दैट सेंस. तो यहां पे देखेंगे 21 में तो द सेक्शनल कट ऑफ वाज 16, 12, 6 एंड 6. सो दिस इज आउट ऑफ 80, दिस इज आउट ऑफ 60, दिस इज आउट ऑफ 30, दिस इज आउट ऑफ 30. तो यहां पे 20% गई है सेक्शनल कट ऑफ, यहां पे 20% थी. 22 में थी 15%, यहां पे 20%, और ये है आपकी ओवरऑल कट ऑफ. दिस इज रिगार्डिंग 22 एंड 21. लेकिन पहले थोड़ा सा अगर हम जाएंगे तो पेपर कंपैरेटिवली इजीयर थे. ओके, मोर प्रिडिक्टेबल थे, क्योंकि 21 में एकदम से चेंज आ गया पैटर्न में, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है. कैंडिडेट्स वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा चेंज आ जाएगा, इसलिए भी स्कोर कम गया था. बट नाउ पीपल आर मोर प्रिपेयर्ड, तो अब स्कोर कट ऑफ हाई भी जा सकती है, बिकॉज नाउ पीपल हैव एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं. तो अब कैंडिडेट्स अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो कट ऑफ कैन गो अ बिट हायर ऑल्सो, अगर डिफिकल्टी लेवल सेम भी रहता है तो. ठीक है, 2019 की बात करते हैं. 2019 में और 2018 में ऑलमोस्ट सिमिलर ही था लेवल अगर मैं बात करूं. और दीज वर द सेक्शनल कट ऑफ 2015. तो ये कितना हो गया, दिस इज आउट ऑफ 80, दिस इज आउट ऑफ 60. तो ये 25% गई थी सेक्शनल कट ऑफ. तो आप देख रहे हो सेक्शनल कट ऑफ कैसे रिड्यूस हो रही है. 25% थी, फिर 20% हो गई, फिर 15% हो गई, बिकॉज डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज हुआ है. और क्वांट रीजनिंग का मैंने आपको बताया, क्वांट रीजनिंग का लेवल इंक्रीज हुआ है, डिफिकल्टी लेवल भी, और उनको लेंथी भी बनाया गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंग्लिश में कोई बहुत मेजर चेंज नहीं मेरे को देखने में मिला. अगर मैं पास्ट इसको देखूं, इंग्लिश में बहुत ज्यादा लेवल को इंक्रीज नहीं किया है, लेकिन जनरल अवेयरनेस में भी चेंज आया है. तो 18-19 तक तो क्या था, जनरल अवेयरनेस बहुत मुश्किल नहीं था, क्वेश्चंस जो आ रहे थे वो बहुत डिटेल में नहीं थे, इन डेप्थ नहीं थे. ओके, और बहुत लेंथी भी नहीं थे. लेकिन 21 और 22 में क्या हो गया, एक तो बहुत इन डेप्थ चीजें पूछने लग गए. तो कोई अगर वो न्यूज से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या बजट से पूछ रहे हैं, और इफ दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, तो काफी इन डेप्थ कोई फैक्ट पूछ रहे हैं. ओके, इसका मतलब है कि किसी ने कोई अच्छे से डीप में पढ़ाई करी होगी, डीप में हर एक चीज को पढ़ा होगा जनरल अवेयरनेस में, तो ही वो आंसर कर पाएगा. और उसके अलावा क्वेश्चंस को लेंथी बना दिया. लेंथी कैसे बना दिया, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे थे कि आपको कोई पैराग्राफ दे दिया, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद एक क्वेश्चन होगा उस पर, मतलब कोई गवर्नमेंट स्कीम से, कोई करंट अफेयर से क्वेश्चन है, बट पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चंस. तो उससे क्या हो गया, पीपल वर फाइंडिंग लेसर टाइम. तो टाइम कम लग रहा है कि बिकॉज 80 क्वेश्चन आपको जीके करने हैं, जीए के 80 क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 25 मिनट है. तो अगर क्वेश्चन लेंथी होंगे तो पढ़ने में काफी टाइम आपका निकल जाएगा. तो इस तरीके से पेपर का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज किया गया है. ओके, तो 2019 में आप देख सकते हैं पेपर काफी आसान भी था, और 122 कट ऑफ गई थी, कट ऑफ हाई गई थी, 18 में भी हाई गई थी. ओके, उससे पहले की बात करूं 17-16 में, तो वहां पे अराउंड 80-82-90 इस तरीके की कट ऑफ गई थी. ओके, तो इस तरीके से ओवरऑल पैटर्न जो रहा है डिफिकल्टी लेवल का, कट ऑफ का, ये मैंने आपको बताने का यहाँ पे ट्राई किया है. अभी हम टारगेट स्कोर की बात करेंगे, जो हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट है कि हमें क्या करना चाहिए. ये तो मैंने आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया कि किस तरीके से क्या क्या कट ऑफ रही है. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैंने आपको और बता दी है जो आप लोगों को समझ में भी आई होगी, कि
कट ऑफ विजवी डिफिकल्टी, और एक क्लियर कट है कि इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। जनरली अगर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है तो कट ऑफ कम जाती है, और अगर पेपर इजी होता है तो कट ऑफ हाई जाती है, सीधी सी बात है। तो अगर पिछले 4-5 सालों का अगर हम यू नो डेटा जो भी मैंने आपको शो करा, अगर आप उसको देखो 2018 ओके 2019 देन 21 22, तो हुआ क्या है, हमारा डिफिकल्टी लेवल जो है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, ग्रेजुअली वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ है। इट इज नॉट सो लीनियर, इतना लीनियर नहीं है, अप्स एंड डाउन से किसी साल थोड़ा इजी किसी साल थोड़ा डिफिकल्ट वो भी रहा है, बट इन जनरल ट्रेंड आप देखोगे 21 में 22 में डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो गया, तो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है, ऑन द कॉन्ट्रेरी विच इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ विल गो डाउन, कट ऑफ रिड्यूस हो रही है ओके? तो अगर यही ट्रेंड रहता है, अगर डिफिकल्टी लेवल 22 वाला ही रहेगा या थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा तो कट ऑफ भी और नीचे भी जा सकती है, बट कट ऑफ और नीचे इसलिए नहीं जाती, रीजन ये होता है मतलब और नीचे क्यों नहीं जा सकती, बिकॉज कैंडिडेट्स आर नाउ बेटर प्रिपेयर्ड। तो हम जब बेटर प्रिपेयर्ड हैं तो हम तैयारी भी उस तरीके से कर रहे हैं, जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, तो कट ऑफ और नीचे नहीं जाएगी। ये इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर लास्ट ईयर 63-64 गई थी तो उससे नीचे नहीं जाएगी, कट ऑफ उतनी रह सकती है या हाई भी जा सकती है, बिकॉज पेपर का लेवल हमें नहीं पता क्या होगा, बट अगर पेपर का लेवल सेम रहता है जो लास्ट ईयर था, सो नाउ वी आर बेटर प्रिपेयर्ड, तो कट ऑफ कैन गो अ बिट हायर ऑल्सो ओके, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द सिनेरियोस की पेपर इजी हो डिफिकल्ट हो, हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, हमको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है सो दैट पेपर कितना भी डिफिकल्ट हो वी कैन क्लियर द कट ऑफ राइट। नाउ एक चीज और बतानी है कि मैंने आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बताया था, तो जो वैकेंसीज निकलती हैं फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, तो जो दूसरी कैटेगरीज हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती हैं, तो अनरिजर्व और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इनकी कट ऑफ सेम है, ऑल एकदम सेम है एज इट इज, सेक्शनल भी और ओवरऑल भी, बट फॉर अदर कैटेगरीज द कट ऑफ आर अ बिट ऑन द लोअर साइड ओके। तो ये आप देख सकते हैं फॉर डिफरेंट ईयर्स वो थोड़ी कम रहती हैं। नाउ द मेन पॉइंट विच वी हैव टू डिस्कस, द वेरी रेलिवेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू इज द टारगेट स्कोर। तो मेन क्वेश्चन आता है कि हम क्या टारगेट स्कोर लेके चल सकते हैं, ये काफी क्वेरीज आती है मुझे टेलीग्राम पे यूट्यूब पे कि टारगेट स्कोर क्या लेके चल सकते हैं, या मॉक टेस्ट में हम टारगेट स्कोर क्या अपना लेकर चलें, व्हाट स्कोर शुड वी एम फॉर। तो वो डिपेंड करता है पेपर इजी है मॉडरेट है कि डिफिकल्ट है, तो मैं आपको कुछ सिनेरियोस के हिसाब से समझाऊंगा कि पेपर अगर आसान है तो क्या टारगेट स्कोर हो सकता है, और पेपर अगर मुश्किल है तो इजी से मेरा मतलब है 18 और 19 वाला लेवल है, अगर 2018 या 2019 में जो पेपर आया था अगर वो लेवल है तो क्या कट ऑफ तो क्या टारगेट स्कोर आप ले सकते हो, और अगर पेपर मुश्किल है मतलब जो 2021 में आया था जो 22 में आया था तो टारगेट स्कोर आप क्या ले सकते हो, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे वही बेसिक चीज लिख दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स, सेक्शनल टाइम। तो सेक्शनल टाइम आप देख सकते हो कि आपको जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट मिलते हैं, फिर ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाता है। रीजनिंग के लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं मैक्सिमम, देन इंग्लिश और क्वांट के लिए भी आपको 25-25 मिनट ही मिलते हैं ओके। तो इन टोटल 120 मिनट्स वी गेट, 2 घंटे का पेपर होता है ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं, अगर 2018 या जो 2019 में लेवल आया था अगर वो पेपर थोड़ा सा इजियर साइड में है ठीक है, तो आपका टारगेट स्कोर क्या हो सकता है। सो अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, इफ आई टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस अगर पेपर आसान है तो जनरल अवेयरनेस में आप 50-60 आराम से टारगेट कर सकते हो, आराम से आ सकते हैं अगर पेपर थोड़ा आसान है तो ठीक है, आउट ऑफ 80। तो देखो बेसिकली मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि मोस्टली लोगों का क्वांट और रीजनिंग थोड़ा सा वीक होता है, तो अगर हम इस तरीके से भी स्ट्रेटेजाइज कर लें कि हम जीए और इंग्लिश में अच्छे नंबर ले आए और रीजनिंग और क्वांट में हमारे नंबर बहुत अच्छे ना भी आ पाए तो भी हम ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो प्रोवाइडेड यू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग एंड यू स्कोर गुड इन इंग्लिश एंड जीए, देन यू कैन क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ ठीक है। तो वही है, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंग यू कैन स्ट्रेटेजाइज। तो यहां पे मैंने बोला 50-60 इज द गुड स्कोर इफ पेपर इज ऑन द इजियर साइड ठीक है। बात अगर करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आउट ऑफ 60 25-30 नंबर आप ला सकते हैं, 30 नंबर आप ला सकते हैं अगर पेपर थोड़ा इजी है मॉडरेट है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में मैंने आपको बताया था बहुत चेंज नहीं आया है, इंग्लिश का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहा है और इंग्लिश स्कोरिंग है। अभी 2022 की बात करूं, पेपर जब मुश्किल था, ओवरऑल पेपर मुश्किल था, तब भी इंग्लिश का सेक्शन उतना मुश्किल नहीं था,
पीपल हैव स्कोर्ड इजिली 20 मार्क्स, 20 मार्क्स काफी लोगों के आए हैं, तो 20 से 25 नंबर आप इंग्लिश में टारगेट कर सकते हो। इंग्लिश इज नॉट दैट डिफिकल्ट आई वुड से। लेकिन क्वांट की बात करें, क्वांट रीजनिंग थोड़े मुश्किल रहते हैं, तो क्वांट में अगर पेपर इजी है, अगर 18-19 का लेवल है जो 18-19 में आया था, तो अगर वो लेवल है तो आप यहाँ पे 15 नंबर तो टारगेट कम से कम कर सकते हो, 10 से 15 नंबर टारगेट कर सकते हो, 10 टू 15 यू कैन टारगेट इजीली। तो इस हिसाब से अगर मैं आपका ओवरऑल स्कोर निकालूं, अगर पेपर थोड़ा सा इजी होता है, तो उसमें आपका ओवरऑल स्कोर कितना बन सकता है? ठीक है, इट कुड बी समवेयर 80-100। हाँ, तो मतलब अराउंड अराउंड अगर मैं एक एवरेज स्कोर की तरफ बात करूं, तो 120 से 130 नंबर आ सकते हैं अगर पेपर 18-19 का लेवल का है, तो 120 नंबर तो वी कैन टारगेट अगर पेपर इजी और मॉडरेट है। ओके, तो 120 नंबर उस केस में है। लेकिन अगर पेपर मुश्किल है, जैसे कि अगर हम बात करें 2021 में जो था या जो 22 में था, अगर वो डिफिकल्टी लेवल है, ओके, तो उसमें हमारा ऑब्वियसली टारगेट स्कोर कम हो जाएगा। ओके, सो उसमें अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं, तो जनरल अवेयरनेस में 45-55 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। यू कैन टेक अ टारगेट ऑफ 45-55 इफ पेपर इज ऑन द डिफिकल्ट साइड। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आउट ऑफ 60 आई थिंक 15-20 नंबर तो आप टारगेट कर ही सकते हो, 20 नंबर तो ला सकते हैं हम रीजनिंग में, बिकॉज रीजनिंग में भी पजल्स बहुत सारी होती हैं, अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, देन बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश मैंने बोला इंग्लिश उतना मुश्किल नहीं है, यू कैन डू इट। तो इंग्लिश में तो 20 नंबर टारगेट हम कर सकते हैं, 20 से 25 नंबर टारगेट हम कर सकते हैं। देन बात करें क्वांट की, तो इंग्लिश में 20 से 25 हो गए, और बात करें अगर क्वांट की, तो क्वांट थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर पेपर डिफिकल्ट लेवल पे है, तो क्वांट में हम 10 नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं, 8 से 10 नंबर तो कम से कम ला सकते हैं हम, अगर पेपर बहुत मुश्किल भी है, सो 8 से 10 नंबर हम ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक एवरेज लेके चलूं, कंजर्वेटिव स्कोर लेके चलूं, एक सेफ स्कोर लेके चलूं, अगर पेपर मुश्किल होता है तो उस केस में 60-80-90 मतलब अराउंड 85-90 आपका स्कोर हो सकता है, 85-90, 80-90, 80-90 नंबर का स्कोर आप टारगेट कर सकते हो अगर पेपर मुश्किल है, जो 21 और 22 में था, तो भी हम 80-90 नंबर ला सकते हैं, प्रोवाइडेड वी कवर द सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली और स्ट्रेटेजाइज करते हैं। ओके, बिकॉज फेज वन के पेपर में ये बहुत मैटर करता है, स्पेशली रीजनिंग की बात करूंगा, क्वांट की बात करूंगा, कि हम कौन सा क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन लीव कर रहे हैं। तो अगर हम ये सीख जाते हैं विद प्रैक्टिस, विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बाय गिविंग अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, कि विच क्वेश्चन शुड बी डन इन द फर्स्ट राउंड, विच क्वेश्चन शुड बी डन इन द सेकंड राउंड, कि कौन सा क्वेश्चन हमको करना है, कौन सा क्वेश्चन हमको लीव करना है, अगर हम क्वेश्चन को देखते ही ये आइडिया लगा पाते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत टाइम लगाएगा या ये क्वेश्चन हो सकता है टाइम में, तो अगर ये जजमेंट हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो हम डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज काफी लोगों से मैंने बात करी है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर प्रैक्टिस, कि हम ये जज कर पाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना है और कौन सा क्वेश्चन हमको लीव करना है। तो ये बहुत मैटर करता है, द चॉइस ऑफ क्वेश्चन मैटर अलॉट, दैट विच क्वेश्चन आर यू अटेम्प्टिंग फर्स्ट। सो दिस इज द इंटायर सिनेरियो ऑफ द कट ऑफ विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, एंड येस, तो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप, अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करी है, तो काफ़ी बेनिफिशियल ऐप हो सकती है आप लोगों के लिए फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर इट विद अदर्स, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भी और कोई भी आपको कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग एग्जाम, रिगार्डिंग एनीथिंग, कुछ भी क्वेरी है रिगार्डिंग द कोर्स, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन दिस नंबर 9999 466225, इस पे आप कॉल कर सकते हो एनी टाइम इन द वर्किंग आवर्स। सो विद दैट आई विल टेक योर लीव नाउ। ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।